संभाजीनगर मधून जातात म्हणून आपण हे संभाजीनगर हे ठिकाण निवडलेलं आहे भाऊंनो. त्यानंतर आमच्या जे काय आदरणीय माझी खासदार आहेत वेणुजी चारी हे आपल्याला सांगू. तेलंगाना का सीएम केसीआर साहब जय सभा है वहाँ पे. पहले अपने महाराष्ट्र में नांदेड़ में आया, एकदम अच्छा रिस्पांस हुआ लोगों में. हमारा सीएम साहब जो बोले, हम यहाँ पे किसको कुछ बोलने को नहीं आ रहे. यहाँ पे आप आ रहा जो तेलंगाना मॉडल है, 9 साल में हमने क्या काम करे वो काम यहाँ पे बोलने को आया. बहुत रिस्पांस है. एक्स एम एल ए एम पी हमारा हर्षवर्धन यादव का जैसा 2 बार एम एल ए रिजाइन करे, सो हमारा खदीर भाई, हमारा अभय पाटिल कंटेस्टेड एम एल ए कैंडिडेट, और हमारा कदम साहब मानिक कदम साहब स्टेट का प्रेसिडेंट है वो शटकार का डियर प्रदीप सोडन के. फिर नांदेड़ में बहुत लोग जैन हो गया ऐसा अल्ट्राको के अभी तक 30 तक एमएलए एमपी कंटेस्टेड जैन हुआ. होने के बाद में पहला कदम नांदेड़ में हम रख लिया, अच्छा आशीर्वाद दिया, सेंटीमेंट है गुरुद्वार में, वहाँ जैन हो गया, मीटिंग हो गया, बहुत अच्छा सक्सेस हुआ. बाद में एक कदम होने के बाद में इमिडिएटली महाराष्ट्र का बजट सेशन था, उसका बीआरएस में जो स्लोगन है आपकी बार किसान सरकार, हमने जो बोला इमीडिएटली वो इफेक्ट से असेंबली में बजट में 6,900 करोड़ वो बजट में रख लिया. 6,900 करोड़ आने के बाद में फिर हम खानदार लोग हमें और एक जहीन सभा रखे, वहां पे 1 लाख लोगों का ऊपर आ गए 6 दिन 7 दिन का अंदर. 1 लाख तो एक ही दिन जैन हुआ का मॉडल. वहां पे बिजली 24 hours 365 days क्वालिटी करंट दे रहे, उसके लिए हमने वो पावर के लिए 40,000 करोड़ खर्चा करे अभी तक, फ्री में दिया, बनाने में, प्रोडक्शन करने में, देने में. यहाँ पे क्यों बिजली क्यों नहीं दे, बहुत बड़ा स्टेट है, 12 करोड़ का है, फाइनेंशियल अच्छा है, बजट भी अच्छा है, इनकम सोर्स भी अच्छा है स्टेट का. वो ने अभी डेली यहाँ पे 6-7 लोग आत्महत्या करके मर जा रहे, आत्महत्या करके. फिर हमने बोल रहे इधर क्यों हो रहा, तेलंगाना में तो ऐसा नहीं हो रहा, अभी बंद हो गया, इससे पहले था. अगर कोई फार्मर शटकर मर गए तो भी उसको 5 लाख रुपए 70 घंटे के अंदर हमने दे रहे, उसका फैमिली क्या सिक्योरिटी के लिए, बच्चा पढ़ने के लिए और उसका घर में कुछ वो करे. वैसी हमने 7,300 खरीद सेंटर रख के जो पैडी होता, अभी पूरा हिंदुस्तान में 96 लाख टन पैडी प्रोडक्शन होता, धान का प्रोडक्शन हो गए तो उसमें 56 लाख टन हमारा तेलंगाना में प्रोडक्शन हो रहा. वर्ल्ड लार्जेस्ट लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट है, वो हमने 1 लाख करोड़ से बन गया, 40 लाख एकड़ को अपने पानी दे रहे. मिशन कागतिया से हमने 45,000 पॉन्ड्स को क्लीन करे, क्लीन एंड ग्रीन करके अभी ये समर में भी पानी हर एक एकड़ को आ रहा प्रोडक्शन. ऐसा पूरा हिंदुस्तान में 96 लाख पैडी का धान का प्रोडक्शन हो गया तो हमने 56 लाख हम खाली तेलंगाना में हुआ. ऐसा कई चीज है, 450 स्कीम्स है. अभी प्रेस मीट में बोलना बोल तो 1-2 घंटा लगता, फिर हमारा भाई लोग हर्षवर्धन बात कर रहे हैं, हमारे सब लोग बात कर रहे हैं. ये मॉडल यहाँ पे क्यों नहीं रहा, लास्ट टाइम उन्होंने थोड़ा हम परमिशन में प्रॉब्लम करे खानदार लोग हमें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. क्यों बोलता खानदार लोग हमें लोहा सभा में उधर भी 4-5 XMLA वो जैन हुआ. उसके बाद में ऐसा गढ़चिरौली यवतमाल उधर से ऐसा तेलंगाना उस तरफ तेलंगाना बीच में रोड इस तरफ महाराष्ट्र वो बॉर्डर में देखे तो हमने कुछ भी नहीं बोल रहा, सिंपल हमारा सीएम साहब जो करे 9 साल में यहाँ पे कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र, धन की कम नहीं है, मन की कम है. यहाँ पे हमारा छोटा स्टेट है, नया स्टेट है, उधर इतना काम कर रहे शिटकारी लोगों को वो मॉडल बोल दिया, खानदार में लोहा में भी बोला, नांदेड़ भी बोला. हम जो सीइंग इज बिलीवेबल है, जो काम यहाँ पे चल रहा तेलंगाना में वो मॉडल इधर क्यों नहीं कर रहे लोग, इधर का सीएम भी है उधर भी सीएम है, सेम एक देश है हिंदुस्तान में, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, छोटा स्टेट में क्यों हो रहा, कैसा हो रहा, वो भी इससे पहले बहुत गरीब स्टेट है.
वहां पे भी बिजली का प्रॉब्लम था। जय शेटकार मॉडल में तो फार्मर्स के लिए अभी तक हमने 4,00,000 करोड़ खर्चा कर। वो सीएम साहब ने बोले हर एक मीटिंग हम वहां के 62,00,000 लोगों का फार्मर्स के लिए शेटकार लोगों के लिए 80,000 करोड़ हमने दे दिया। 80,000 करोड़ हमने दे दिया। यहाँ पे 6,900 करोड़ एक घर में पूरा एक एग्रीकल्चर फैमिली में एक लोगों को 6,000 रुपए पर एकड़ को बोल दिया। फिर उधर 10,000 दे रहे हमने एक एकड़ को। ये क्यों नहीं दे रहे हमने? आप 6,900 करोड़ बजट में रखे ना, ये नको हमको ये तेलंगाना मॉडल एक एकड़ का 10,000 हमने 62,00,000 लोगों को कैसा दे रहा आप वैसा देना। शुरू होता सीएम साहब का मीटिंग उधर एकदम सक्सेस करना बोल के मैं हमारा छत्रपति संभाजनगर का लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारा पत्रकार बंधन भी थोड़ा सपोर्ट करो आप भी। अब सबका सब लोगों के अभी हिंदुस्तान में अभी चेंज होना है, ये लोगों का फायदा होना है, गरीब लोगों का गवर्नमेंट गरीब के लिए काम करने वाले। हमारा जो तेलंगाना में 450 स्कीम्स बन रहा वो यहाँ पे भी बना देते। अब फाइनल में बोलता अब की बार किसान सरकार जो तेलंगाना में फार्मर्स के लिए एक दिन कोई खा अच्छा खाना खिलाए तो उसको आशीर्वाद देते, ऐसा देश को पूरा प्रधानमंत्री सीएम लोगों को पत्रकार बंधन लोगों को हम लोगों को खाना खिलाने वाला ये शेटकार लोग है, उसके लिए हम काम करेंगे, उसका गवर्नमेंट आना देंगे। अब की बार किसान सरकार आऊंगा ये स्लोगन पूरा हिंदुस्तान में चल रहा, हर एक स्टेट में भी आपका BRS का इफेक्ट हो रहा, आकर्ष हो रहा, लोग आ रहा। फिर ये 24/5 बजे आमकाज ग्राउंड में मीटिंग है, उसको सक्सेस करना बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनम्र पूर्वक विज्ञप्ति कर रहे हैं। हमारा 2000 गाड़ियों को रुका दिया, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया, फिर भी 1,00,000 का ऊपर लोग कांदार लोग हमें आए, ऐसा चीज कर। यहाँ की डिप्टी सीएम सीएम लोग बोल रहे हैं सीएम साहब क्यों आ रहे तेलंगाना में रहना बोल के बोलते, हमारा सीएम साहब कांदार लोग हमें एक बात बोला, हम जो अभी तक बोले सो स्कीम आप दे दो हम महाराष्ट्र में कदम भी नहीं रखता। BRS एक दिन नांदेड़ में कदम रखे छोटा सभा कर दिए तो 6,900 करोड़ आया, ऐसा BRS का झंडा पकड़ के चले तो फिर ये तेलंगाना मॉडल है गोलमाल मॉडल जो मोदी का नहीं है, गुजरात मॉडल जो है गोलमाल मॉडल है, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी है, हमारा नेशनलाइजेशन पॉलिसी है। ये बोले तो फिर यहाँ की सरकारी लोग माइनॉरिटी, हम कल एक 124 का फीट का अंबेडकर स्टैच्यू लगाए, यहाँ पे औरंगाबाद में 150 केस बनाए विग्रह के लिए, लोग रैली में जो गया रैली को बच्चों को युवतों के ऊपर केस कर दिया, यहाँ परसों भी बहुत लोगों का ऊपर केस हुआ, हमने फ्री में एक पूरा हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं वैसा अंबेडकर स्टैच्यू लगाए। और 1200 करोड़ रुपए से हमने सेक्रेटरी मंत्रालय बनाया, वो मंत्रालय नाम भी डॉक्टर BR अंबेडकर साहब का नाम रख दिया, हमको हमारा सीएम साहब को कोई भी नहीं पूछा बगैर पूछ के हमने, वो हमारा सीएम साहब अभिनव अंबेडकर बोल रहा हमारा तेलंगाना। यहाँ पे भी लोग बहुत रिस्पांस है, क्या है भाई हम विग्रह लगे तो यहाँ पे हम हमारा ऊपर केस लगा रहे, मगर आपका सीएम साहब उधर उतना अच्छा काम कर रहे, घरे घर में फायदा हो सब बच्चा से पकड़ के मरने तक आप काम कर रहे, एक छोटा बच्ची फायदा हुआ तो उसको KCR किट दे रहे, गर्भिणी स्त्री की 12,000-13,000 रुपए दे रहे, घर में बेटी पढ़ना है तो उसको 1,01,016 रुपए दे के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी बना रहे, इतना अच्छा अच्छा स्कीम्स है, वहाँ पे बिजली फ्री है सब फ्री दे रहे, यहाँ पर तो 1,25,000 खर्चा करके गुरुकुल पाठशाला लगा रहे, 1,000 बार ऐसा स्कूल लगाया गरीब वो पढ़ रहे, गरीब के लिए काम कर रहे, फिर सबके लिए काम कर रहे, वो मॉडल यहाँ पे होना हम ये बोलने को आए आए तो नांदेड़ में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, खानदार लोग हमें रिस्पॉन्स, यहाँ का भी देखो आमदार खास लोग खासदार लोग बहुत चेंज हो गया। अभी आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही है आम खास ग्राउंड में 24th of this month जहीर सभा लगा रहे, यहाँ बहुत सक्सेसफुल करके देश को एक मैसेज देना, ये औरंगाबाद तो ये छत्रपति शिवाजी नगर जो है संभाजी नगर जो है सॉरी छत्रपति संभाजी नगर जो है ये हिंदुस्तान में मैसेज जाएगा, पॉलिटिकल हेडक्वार्टर है देश के, महाराष्ट्र का भी हेडक्वार्टर है, अभी तक उधर यावतमाल गढ़चिरौल से पकड़ के उधर पूरा हमारा रिस्पांस बहुत मिले, अब औरंगाबाद में भी मिल रहे,
40-30 कारपोरेटर भी जॉइन हो रहा, अभी गंगापुर और दूसरा भी दूसरा लोग यहाँ पे जॉइन हो रहा, बहुत बड़े लोग कंटेस्टेड कैंडिडेट पूरा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे जॉइन हो रहा। अभी हमारा तेलंगाना मॉडल जो है असली मॉडल है, तो गुजरात मोदी का मॉडल है, फेक मॉडल है, उसका जो प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहिए, हमका नेशनलाइजेशन का मॉडल है। ओके, अगर उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो भी हमारा गवर्नमेंट आने के बाद में पक्का उसको वापस लेऊंगा, वो भी नेशनलाइज करेंगे बोल के सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरा नौकान से सेंटर ईस्ट वेस्ट से गंगापुर से सिलट से और वैजापुर से खनाड से लोगों को। कब खन्नाड भी गया, वहाँ पे मीटिंग लगाई तो 2000 लोग आया, हमने गया पहिला विषय छत्रपती संभाजीनगर ला 24 तारखेला सभा होणार आहे, आणि हे जे वाक्य मी वापरले हे वाक्य तुम्हाला त्या दिवशी सीएम साहेबांच्या तोंडात ऐकायला मिळेल। संपला विषय। पुढचा विषय, या महाराष्ट्रामध्ये ज्या पद्धतीचं कामकाज चालतं आणि ज्या पद्धतीचं कामकाज तेलंगणात चालतं याच्यावरती आम्ही विश्लेषण देऊन तुम्ही मान्य करावं असं आमचं म्हणणं नाहीये। आमचं म्हणणं हे आहे की जसं आता शकील भाईंनी सांगितलं की गुगल सर्च करा आणि आम्ही काय म्हणतोय हे शोधा, जर आमचं खरं असेल तर छापा, नसेल खरं तर नका छापू। आणि तिसरा महत्वाचा विषय आज कितीतरी इथे पत्रकार बांधव जे आलेले हे कसे आले, किती लोकांकडे पेट्रोलच्या स्कूटर आहेत, किती लोकांकडे इलेक्ट्रिकच्या स्कूटर आहेत आणि किती लोक रिक्षाने आले, हे का? मग इतके 75 वर्ष घालून जर मी इलेक्ट्रिकचीच गाडी वापरतोय कारण मला पेट्रोलला पैसे नाहीये, तर मग अशा देशाचं करायचं तरी काय? पुढाऱ्यांचं काय होतंय, राजकीय पक्षांचं काय होतंय, कोण मुख्यमंत्री होतोय, कोण पंतप्रधान होतोय, ठीक आहे, पण सर्वसामान्य माणूस काय होतोय याला फार महत्व देण्याची आज नितांत आवश्यकता आहे। केसीआर साहेबांचं भाषण हेच असतं, तुम्हाला वाटेल हर्षवर्धन महाराणी बोलतोय, नाही, साहेबांचं हेच भाषण आहे की नेता आता है जाता है, सीएम बनता है नहीं बनता है, आमदार खासदार जनता का क्या हो रहा है ये देखो, यही भाषण है। विषय जनतेचा आहे, राजकीय पक्षाचा नाहीये, आणि हा विषय कोण सॉल्व करू शकतो याचं प्रात्यक्षिक झालेलं आहे जे गुगल वरती दिसतंय। मग आता पेट्रोलच्या गाड्यांवरती यायचं आहे का इलेक्ट्रिकच्या गाडीत फिरायचं याचा प्रश्न आहे। पुन्हा सांगतो, राजकारणाचा विषय नाही, विषय परिवर्तनाचा आहे। कोण म्हणते की परिवर्तन करतो, मी नाही म्हणत, ज्या गोष्टी आहेत त्या म्हणताय, कुठे सर्च गुगल। की 24 तारीख को सभा है, वो सभा कहां पे होगी और उस सभा में कौन कौन आने वाले हैं? 24 तारीख जो सभा जहीर सभा हो रहा बीआरएस का, बीआरएस प्रेसिडेंट हमारा सीएम केसीआर साहब आ रहे हैं, वो मीटिंग में जो तेलंगाना मॉडल, तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हुआ वो मॉडल बोलने के लिए यहाँ की लोग और बहुत लोग जैन होंगे, अभी स्टेज के ऊपर भी देखे वो जैन भी हो जाता, जैन सभा भी हो जाता आम कास्ट ग्राउंड में 5 बजे वो सभा लेने हैं। सब लोगों को निवेदन कर रहे वो सभा के लिए आगे। किस मुद्दे को लेकर ये सभा की जाएगी? एजेंडा क्या है? आपका मकसद क्या है सभा लेने का? हमने काम करे शेतकार लोगों को, फार्मर्स के लिए, किसान लोगों को हमने बिजली कैसा दिया, यहाँ पे पैसा होना, वो मॉडल तेलंगाना मॉडल है, जो गुजरात मॉडल है, वोटर का मीटर लगाने का फेक मॉडल है,
हम जो एक एकड़ को 10,000 रुपए दे रहे या फिर क्यों नहीं दे रहे, या फिर धन की कम नहीं है, मन की कम है। वापिस छोटा स्टेट में जो हमने 60 लाख एकड़ के लिए 10,000 रुपए हमने दे रहे या फिर क्यों नहीं दे रहे, उसको पूछने के लिए हमने जो भी इलेक्शन रहेंगे, जो भी कल के बाद कौन सा इलेक्शन भी आना उसमें लड़ेंगे। महाराष्ट्र का विकास है, हमारा एजेंडा महाराष्ट्र के फार्मर्स का विकास है, महाराष्ट्र के बच्चों का विकास है, महाराष्ट्र के महिलाओं का विकास है, तमाम महाराष्ट्र की जनता का विकास है, यही हमारा एजेंडा है। महाराष्ट्र जनतेला संभाजीनगर जनतेला काय आह्वान करा, संभाजीनगर संभाजीनगर में मैं अपील करना चाहता हूँ, पहले भी अपील किया हूँ कि महाराष्ट्र के विकास के लिए, आपकी आने वाली नस्लों के विकास के लिए, जो 70 साल में 80 साल में जो गवर्नमेंट्स यहाँ पे आके गई है, किसी तरीके का उद्धार महाराष्ट्र में नहीं हुआ है। जो विकास हम लोग तेलंगाना राज्य में कर रहे हैं उससे अच्छा बढ़िया विकास यहाँ पे महाराष्ट्र में करेंगे, हमने करके दिखाया है, इसीलिए आपके पास आए हैं। बातें बोलने वाली पार्टी नहीं है BRS पार्टी, काम करने वाली पार्टी है और एक विजनरी लीडर KCR जी है। मेरी तमाम महाराष्ट्र के लोगों से, औरंगाबाद के लोगों से निवेदन है कि मेहरबानी करके महाराष्ट्र का जिस तरीके से हम विकास करना चाहते हैं, हमारी सोच क्या है, वो KCR जी के जरिए से 24 तारीख को शाम 7 बजे आम खास ग्राउंड पे आप खुद तशरीफ लाइए और खुद KCR जी से सुनिए को वो किस तरीके का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जिस तरह रियासत में अभी चुनाव टाइम पे मालूम है आपको, विभिन्न पार्टी वो एजेंडा बोलते, एजेंडा बोल के तो अमल भी नहीं करते इलेक्शन होने के बाद। पर हमारा अपील क्या है, मराठवाड़ा ने तो महाराष्ट्र जनता का अपील क्या है, हम पूरा जो साहब CM साहब बोले, CM साहब तेलंगाना में करके बताए थे जनता को, लगभग 8 साल में जो हम काम बता के जनता को बताए, जनता का आशीर्वाद ले रहे दो टाइम, वही खास कर के वास्ते पहली दफा और विभिन्न पक्ष के वास्ते यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करने के वास्ते हम लोग आ रहे हैं, उसलिए उनका आशीर्वाद चाहिए। 20 तारीख को जो सभा होने वाली है शहर औरंगाबाद में, तो क्या नियोजन है, कितने लोग आने वाले हैं सभा में? लाखों के तादाद में इस सभा को आप देखेंगे, दलित मुस्लिम काश्तकार किसान तमाम 18 पकड़ जात के सेकुलर पर विश्वास रखने वाला ऐसा समूह जो एक सैलाब के मद्देनज़र आपको औरंगाबाद आम खास में नज़र आएगा। मैं आपके माध्यम से लोगों को गुजारिश करता हूँ कि इस सभा को ज़रूर हम आए और देखें कि इस सभा के अंदर में जो ऐलानात और जो काम की बातें होने वाली है, जो आज तक के सरकारों ने जिस तरह का लोगों के साथ में छड़ किया है और डेवलपमेंट के नाम पर धोखा दिया है, ये BRS पार्टी वो पैटर्न को लाना चाहती है जो उन्होंने किया है, वही बात करना चाहती जो वो कर रहे हैं। उसी एतबार से उस बातों को महाराष्ट्र में ऐसा रनवे तैयार करना चाहती है जिससे मुल्क में फ्लाइंग कर सके, गुड फ्लाइंग गुड लैंडिंग। नहीं, कौन से पार्टियों के जो लोग हैं इसमें शामिल होने वाले, पक्ष प्रवेश करने वाले? आप जो है तो चौक जाएंगे, ऐसे लोग और ऐसे चेहरे आपको नजर आएंगे जो विनर है महाराष्ट्र के अंदर में, जिन्होंने लाखों वोट लिया है और कोई 10,000 से हारा है, कोई 5,000 से हारा है, कोई 2,000 से हारा है, कोई 500 से हारा है, ये सारे चेहरे आपको स्टेज पे नज़र आएंगे। और एक अच्छी बड़ी ताकत महाराष्ट्र के अंदर और खुसूसी औरंगाबाद ज़िले के अंदर में हमारे जो 9 कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके सभी प्रतिनिधि आपको इस औरंगाबाद के स्टेज पे नज़र आएंगे। अचंभे की बात नहीं, कुछ चेहरे का नाम मैं यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, जब आपको नज़र आएगा वो नजर आएगा। मौलाना तारीकी मैदान में हमेशा जो है यहाँ पर अविशी का आवाज़ गूंजी है, लाखों की तादाद में लोग उनकी सभा में यहाँ पर आते रहे हैं, इस मर्तबा जो KCR की सभा जो है क्या उसी तरह होगी या उससे और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर होगी? कौन किसकी तारीख बनाता है, तारीख तो हमेशा तारीख लिखने वाला बनाता है, तो तारीख बनाने के लिए उनकी तारीख को भी देखा जाता है कि माजी में उनकी क्या तारीख रही है, तो आने वाले 24 तारीख को आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा। कदीर भाई, इधर आने की वजह क्या है, NCP से इधर आने की वजह क्या है? सबसे बड़ा जो फिरका परस्ती का जो माहौल पार्टी के अंदर में पैदा हो गया है, फिरका परस्त पार्टियों से नज़दीकियों का जो माहौल पैदा हो गया है और खसूसन तौर पर माइनॉरिटी के साथ में नाइंसाफी करने का जो माहौल है,
खसूस तौर से छोटे छोटे समाज, छोटी छोटी जातियों के लोगों को जिस तरह का नेतृत्व देना चाहिए, जिस तरह का प्रोत्साहन देना चाहिए, इन पार्टियों में मिल नहीं रहा। आज जो दैनदिन जो हालात ख़राब होते जा रही है, उसकी बहुत सारी वजह है जो आने वाले दिनों में आपको एक एक करके सामने आएगी। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।